नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो केवल घर का खाना खाते हैं, लेकिन उनका शरीर, उनका वजन, उनकी बॉडी काफी अच्छी होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ठीक से खाना खाते हैं, फिर भी उनका शरीर पतला, दुबला और कमजोर होता है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन नेचुरल होम रेमेडी लेकर के आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने पतले, दुबले, कमजोर शरीर को मोटा और वजनदार बना पाएंगे। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी यह नुस्खा उनके बहुत काम आएगा, बॉडी को बढ़ाने के लिए, वजन को गेन करने के लिए, वेट गेन के लिए। दोस्तों, वजन कम होने की वजह से कपड़े अच्छे नहीं लगते, चेहरे की रौनक गायब सी लगती है, गाल धसे होते हैं, आंखें धसी होती, आगे चलकर दिक्कतें होती हैं लड़कियों को भी और लड़कों को भी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट गेन करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के कैप्सूल्स और टेबलेट्स का सेवन करते हैं, लेकिन उनको नुकसान उठाना पड़ता है। जो लोग बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल सस्ते और किफायती तरीके से, बिल्कुल प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अपने शरीर को मोटा और वजनदार बनाना चाहते हैं, तो आज के इस नुस्खे को आप लोग अपने फायदे के लिए एक बार अंतिम तक जरूर देखिएगा। ऐसी बेहतरीन चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो आप लोगों को फायदा ही पहुंचाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं इस नुस्खे को। एक बात मैं बता दूं, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए यह फायदेमंद है, और वजन आपका कम है और आप निराश हैं तो आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं इस नुस्खे को। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप क्या करें, यह देख रहे हैं, यह है मूंगफली, यह बहुत पौष्टिक होती है, और यह है गरीबों का साथी चना, यह बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बातों को, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बिल्कुल देसी तरीका है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद उनको और सोने का मन करता है, सुबह उठने के बाद भी उनके अंदर चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति नहीं होती, तो जो कमजोरी है शरीर की उसे भी मिटाने में यह रेमेडी आपके बहुत काम आएगा। इसलिए वीडियो को अंतिम तक एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि दोपहर में आप क्या कीजिएगा कि आप चना लीजिएगा और इसे पानी में फुला लीजिएगा। ठीक है, पानी में भिगो दीजिएगा। ठीक है, और ये बादाम है। तो आपको दोपहर में क्या करना है कि एक मुट्ठी, एक हथेली में जितना भी आपका चना आ जाए तो उतना चना आपको दोपहर में खाना है, और साथ में आपको लगभग लगभग इतनी मूंगफली आपको, ठीक है, लगभग इतनी मूंगफली आपको दोपहर में खानी है। ठीक है, यह आपको दोपहर में लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि सुबह में आपको एक केला, अगर इतना बड़ा केला है तो एक, और अगर छोटे केले हैं तो दो। केले के अंदर पोटेशियम पाया जाता है और तरह तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं जो पतले, दुबले, कमजोर शरीर को मोटा करने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं। और अंडे के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, तो प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है, फायदेमंद होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में वजन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप एक से दो केले और साथ में एक अंडा उबालकर आपको सुबह नाश्ते में लेना है। तो ये दोनों ये चीजें आप समझ गए, आपको नाश्ते में
केला और अंडा लेना है उबाल करके, और दोपहर में आपको चना और मूंगफली आपको लेनी है, ठीक है? ये आपको आपका हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि रात में आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको रात में क्या करना है कि रात में आप क्या कीजिएगा कि दो छुहाड़े, चार आलमंड्स, दो छुहारे, चार आलमंड्स और लगभग इतनी किशमिश आप ले करके इन्हें या तो कुछ देर के लिए दूध में डाल दीजिएगा, जब फूल जाए, मुलायम हो जाए, तो आप इसे इन्हें निकाल करके चबा करके खा लीजिएगा और ऊपर से उस दूध को पी लीजिएगा। उस दूध में आप अपने आवश्यकता स्वाद के अनुसार उसमें मिश्री आप मिला सकते हैं, या फिर आप इन्हें पहले खा लीजिएगा फिर ऊपर से इस दूध को पी लीजिएगा, हल्के गर्म दूध को, ठीक है, मिश्री मिला के। तो इतना काम आप करें दोस्तों, आप पाएंगे कि यह देसी तरीका आपके पतले दुबले कमजोर शरीर को तेजी से मोटा, वजनदार और हष्टपुष्ट बना देगा।